तो गाइस आज स्मैकडाउन पर हमें सैमी ज़ेन एंड जिमी उसो का एक बहुत ही धमाकेदार प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला और इस वीडियो में मैं उसी प्रोमो सेगमेंट को हिंदी में कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिमी उसो रिंग में आते हैं और वो जे के लिए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ नहीं हो तो मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं से इसे देख रहे होंगे और मैं ये तुम्हें एक भाई के तौर पर कह रहा हूँ। मुझे पता है तुम गुस्सा हो, मुझे पता है तुम्हें दर्द हुआ है और जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है और मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ रहूंगा और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए यहीं रहूंगा। उसी तरह से तुम्हें भी मेरे लिए यहाँ होना होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ आओ। ये लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ब्लड लाइन में दरारें आ चुकी हैं और मैं जानता हूँ यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स है। हमारे पास सैमी ज़ेन प्रॉब्लम है, हमारे पास एक केविन ओवेंस प्रॉब्लम है, तुम्हें और मुझे इंटैक्ट टीम चैंपियनशिप्स को डिफेंड करना होगा और ये मैं अकेले नहीं कर सकता। और जिमी उसे कुछ और कह ही रहे थे तभी वहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं और उन्होंने आज वही काले कलर का हुड पहना होता है। इसके बाद सैमी ज़ेन भी माइक उठाते हैं और वो जिमी से कहते हैं कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ और मैं जानता हूँ तुम जे से बात करना चाहते हो लेकिन मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ पर इस समय पर मुझे तुमसे बात करनी है और जब भी मैं तुम्हारे मुँह से भाई सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि ये चीज तुम मुझे भी कहते थे। तुम मेरे भाई थे और क्या तुम्हें याद है हम दोनों भाई थे। तुमने ब्लड लाइन में पहले दिन से ही मेरा साथ दिया था। जब जे उसो को मुझे भरोसा नहीं था तो तुम्हें था। जब पॉल हेमन ने मुझ में कोई वैल्यू नहीं देखी और उसने मुझे रोमन रेस के लॉकर रूम से बाहर भगा दिया था तब भी तुमने मेरे अंदर वैल्यू देखी थी। तुम ही वो बंदे थे जिसने मुझे ऑनररी ऊस बनाया था। तुम्हारे बिना ना ही कोई ऑनररी ऊस होता और ना ही कोई सैमी उसो होता और ना ही कोई उसी फील करता। लेकिन जब रॉयल रंबल में चीजें गड़बड़ हुई तो तुमने दो बार भी नहीं सोचा और तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे ऊपर टूट पड़े थे। जिमी मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। जिमी उसको कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर सारा ब्लेम डालना चाहते हो। वो तुम थे जिसने अपनी मनमर्जी की, तुम ही वो बंदे थे जिसने ट्रिगर खींचा, तुम ही थे जिसने चूज किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने जे को धोखा दिया। और तुम ध्यान से सुनो, तुमने अपनी मनमर्जी की और मैंने वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था और ये वही चीज है जो कि एक फैमिली करती है। और क्या तुम्हें पता है एक फैमिली क्या नहीं करती, वो तुम्हारी तरह धोखा नहीं देती। तभी सैमी कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फैमिली क्या नहीं करती। फैमिली कभी भी हर हफ्ते तुम्हारे लॉयल्टी का टेस्ट नहीं लेती, वो कभी भी तुमसे इतने हार्ड काम नहीं करवाते कि जिससे तुम्हारी काबिलियत का पता लगे। वो हर हफ्ते तुम्हें चलाते नहीं है जैसे कि रोमन रेंज चलाता है और वही बिल्कुल रोमन रेंज ने तुम्हारे जुड़वा यानी जे उसो के साथ किया है और वो भी सिर्फ हफ्तों से नहीं, महीनों से नहीं बल्कि वो सालों से करता आ रहा है। सैमी ज़ेन कह ही रहे थे तभी हम देखते हैं कि क्राउड के बीच में जे उसो आ जाते हैं और वो वहीं ऊपर टॉप में खड़े होते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ब्लड लाइन सिर्फ रोमन रेंज के बारे में नहीं है और लास्ट चीज जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं रोमन रेंज और ब्लड लाइन को नीचे लाऊंगा। पर तुम्हारे लिए एक रास्ता है और जैसे मैंने जे से कहा था तुम्हें भी नाव में डूबने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रहा हूँ, तुम जानते हो कि मैं सच कह रहा हूँ। सैमी ज़ेन जे को देख रहे थे तभी जिमी उसे उनके ऊपर एक चीप शॉट लगा देते हैं और वो सैमी ज़ेन के ऊपर टूट पड़ते हैं। इसके बाद वो एक कॉर्नर में जाते हैं और वो भी जे उसे को देख रहे थे तभी सैमी ज़ेन की तरफ से एक हेलुआ किक आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बैकस्टेज से सोलो सिको भी यहाँ पर आते हैं लेकिन तभी सैमी ज़ेन वहाँ से भाग जाते हैं। जे उसे भी रिंग में नहीं आए और वो भी क्राउड के बीच में खड़े ही थे। अभी उनका भी पता नहीं है कि जे उसो किसकी तरफ है लेकिन नेक्स्ट वीक हमें यहाँ पर स्मैकडाउन पर रोमन रेंज देखने को मिलने वाला है। तो हमें नेक्स्ट वीक पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आखिर रोमन रेंज का अगला कदम क्या होगा और क्या जे उसो एक बार फिर ब्लड लाइन में वापस आएंगे या फिर वो साथ देंगे सैमी ज़ेन का। बाकी आज की वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीक रोमन रेंज का स्टेप क्या होगा। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।